हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश प्लस नेशनल करंट अफेयर के बारे में, यानी कि डिस्कस करेंगे 1 जून का इवनिंग बूस्टर। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इवनिंग बूस्टर बीच में बंद हो गया था, दोबारा शुरू हो गया है। तो रीजन एक था कि इलेक्शन टाइम था और जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है हिमाचल प्रदेश की, वो अंडर मेंटेनेंस थी। तो अब जो जाके जो ओपन हुई है, तो डायरेक्टली हम जो है शुरू करेंगे डेली के इवनिंग बूस्टर, ताकि आपको अच्छे से एक करंट अफेयर मिलते रहे डेली के और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्कूल्स इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन लिंक्ड टू यू डाइज प्लस पोर्टल। हिमाचल प्रदेश के कितने स्कूलों को यू डाइज प्लस पोर्टल से जो है वो जोड़ा गया है। सबसे पहले अगर इस पोर्टल की बात करें, तो इसमें होता क्या है कि जो आपके स्टूडेंट होते हैं प्लस टीचर होते हैं, उनका जो बायोडाटा होता है, जितनी भी उनसे रिलेटेड रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, उसको ऑनलाइन स्टोर किया जाता है, ताकि जब भी गवर्नमेंट को जरूरत हो वो वहां से उनका डाटा कलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के कितने स्कूलों को जो है उससे जोड़ा गया है। तो साथ साथ आपको आंसर देना है, इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट 100 स्कूलों को जो है इससे जोड़ दिया गया है। अपोजिट क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश के 100 स्कूलों को किस पोर्टल से जो है वो जोड़ा गया है, तो यूडाइज प्लस पोर्टल से। साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट gkstudyonline.com को भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत सारे आर्टिकल, अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हो अपनी किसी एग्जाम की तैयारी, तो वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फिशिंग विल बी बैन फ्रॉम विच मंथ टू विच मंथ इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में किस महीने से किस महीने तक जो है मछली मारने पर और उसको बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिमाचल के करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो सही आंसर है वो है जून एंड जुलाई। देखिए, जो हमारे मत्स्य विभाग के मंत्री हैं वो हैं आपके वीरेंद्र कंवर। ठीक है, तो उन्होंने 1 जून से 31 जुलाई तक जो है मछली मारने पर और उसे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि उनकी जो प्रजातियां हैं उनको सेव किया जा सके। और बाकी जो मछुआरे होते हैं उनको ₹3,000 जो है महीना, जब तक फिशिंग बैन है तब तक दिया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 3,000 भी याद रख सकते हैं आप कि कितने रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट स्टेट मिनिस्टर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वित्त मंत्रालय में हिमाचल प्रदेश से पहले राज्य मंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुराग ठाकुर। देखिए, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं 2019 के, और जो आपके राज्य मंत्री बने हैं, ठीक है, और जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, सभी के ऊपर मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, तो ऊपर की तरफ जो आई बटन आ रहा है वहां पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तभी आपको सब कुछ पता लग जाएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट किस किस के अंडर आते हैं, कौन कौन से नए चेंज हुए हैं, क्या क्या नया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुराग ठाकुर हैज बीन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ विच ऑफ द ऑफ दीज डिपार्टमेंट। अनुराग ठाकुर इनमें से किस विभाग के जो है राज्य मंत्री हैं या राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी। ठीक है, तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ये जो वर्क करेंगे वो निर्मला सीतारमण के साथ वर्क करेंगे। ठीक है, बाकी आप वीडियो कैबिनेट मिनिस्टर वाली देख सकते हैं पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डे वाज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हंगर डे 2019। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व भूख दिवस 2019 के रूप में जो है मनाया गया है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट 28 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 एशिया कप क्रिकेट होस्टिंग राइट्स हैज बीन अवार्डेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। 2020 एशिया कप क्रिकेट होस्टिंग अधिकार निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वो किया गया है आपका पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीमल जलान पैनल इन 2018 वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। 2018 में बीमल जलान पैनल का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए जो है वो किया गया था। चार आपके पास यहाँ पर उद्देश्य दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, टू डिसाइडेड द एप्रोप्रिएट कैपिटल रिजर्व फॉर द आरबीआई। ठीक है, कैपिटल रिजर्व जो होते हैं आरबीआई के, उससे रिगार्डिंग जो है विमल जलन पैनल का जो है गठन किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वॉन द कैंडिडेंसी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंसी। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनकर जीते हैं। ठीक है, तो वो जीते हैं आपके सेकेंड बनारस है, बनारस हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है, कांशी हो गया, ये तीनों एक ही नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी आपसे नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव ऑप्टेड आउट
फ्रॉम नरेंद्र मोदी कैबिनेट 2019 ड्यू टू हेल्थ इश्यू, निम्नलिखित में से किस पूर्व कैबिनेट मंत्री को, एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य मुद्दे के कारण नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल जो 2019 का सिलेक्ट हुआ है उनमें नहीं चुना गया है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है बोथ वन एंड थ्री, अरुण जेटली हो गए एक तो आपके, और दूसरी होगी सुषमा स्वराज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी जगह कौन बनाए गए हैं, उसके लिए आप जरूर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी टुक द ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द सेकंड टर्म ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, यानी कि जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने किस डेट को जो है प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली है, ठीक है, तो वो ली है आपकी 30 मई 2019, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेशनल एससी एसटी हब इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, राष्ट्रीय एससी एसटी हब जो है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है, चार आपके पास मंत्रालय दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो बिकम द 24th चीफ ऑफ इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख कौन बने, अपॉइंटमेंट आपसे जरूर पूछी जाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है करमबीर सिंह, ठीक है। प्रीवियस में कौन थे, प्रीवियस में आपको पता है सुनील लांबा थे, ठीक है, या फिर आपसे अपोजिट पूछा जा सकता है कि करमबीर सिंह जो बने हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं कौन से नंबर के प्रमुख बने हैं, तो वो बने हैं आपके 24th, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपने चारों तरफ से घुमा के पढ़ना है, साथ ही साथ है अगर इनके टेन्योर की बात करें तो 3 साल का इनका टेन्योर होता है या फिर 62 एज, जो भी पहले कंप्लीट हो जाती है चीज, यानी कि या तो कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर एज पूरी हो जाए तो इनकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। जनरल रावत हमारे इंडियन आर्मी के हैं और बीएस धनोवा एयरफोर्स के हेड, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड नो टंबाकू डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है 2nd 31 मई। इस बार की थीम क्या थी, थीम थी आपकी टंबाकू एंड लंग हेल्थ, थीम्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेट बैन ऑनलाइन फूड डिलीवरी विदाउट हाइजीन रेटिंग, किस भारतीय राज्य ने जो है ऑनलाइन जो फूड डिलीवरिंग होती है, आप भी उनमें से करते होंगे कुछ ना कुछ ऑर्डर, ठीक है, तो उनको विदाउट हाइजीन रेटिंग से जो है वो बैन कर दिया गया है कि जब तक उनकी स्वच्छता रेटिंग चेक नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, वहां से कोई भी फूड जो है डिलीवर नहीं किया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब, पंजाब ने जो है बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वी स्टेट बैन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल ऑफ ई सिगरेट, किस जो भारतीय राज्य ने ई सिगरेट के विज्ञापन और बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो लगाया है आपका राजस्थान ने, तो ये इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा, एक तो सबसे पहले ऑनलाइन फूड से रिलेटेड जो है वो है आपका पंजाब, और ई सिगरेट से रिलेटेड जो है वो है आपका राजस्थान, ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई हॉक जेट, हॉक जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट जो है वो कौन बनी है, यहां पर इमेज भी दी गई है और चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहना सिंह। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।